आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आप लोगों के लिए खुशखबरी है। आप लोगों के लिए खुशखबरी क्या है, मेरे पास कई बार कमेंट्स में बहुत सारी क्वेरीज आई, कई बार हमारे पास मैसेजेस आए कि सर क्या आप सीए फाइनल पढ़ाते हो, क्या आपका ये कोर्स सीए फाइनल के लिए काम आएगा जो आप अपनी गूगल ड्राइव पेन ड्राइव बेचते हो। तो मैंने हमेशा उन्हें बोला नहीं भाई, सीए फाइनल के लिए आपका ये कोर्स काम नहीं आएगा, क्योंकि आप एक ऐसे एग्ज़ाम में अपेयर होने जा रहे हो जो कि एक वर्ल्ड क्लास लेवल का एग्ज़ाम है। तो कई लोगों ने बोला कि सर सीए फाइनल का कोर्स कहाँ से पढ़े, कैसे हम एग्ज़ाम को क्लियर करें। तो इसके लिए केजे क्लासेस आपके लिए एक सॉल्यूशन लेकर आया है। हमने क्या करा, हमने मार्केट में देखा कि सीए फाइनल के सबसे अच्छे टीचर कौन है, पूरे इंडिया के टीचर्स, और वहाँ से हमने शॉर्ट लिस्ट करा। और उसके बाद हमने उन टीचर से टाई अप करा कि भाई आप केजे क्लासेस के मेंबर्स को, केजे क्लासेस के सब्सक्राइबर्स को, या जो भी बच्चा सीए फाइनल में है आप उन्हें कोर्स प्रोवाइड करा दो। तो इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारी इस वीडियो में जो हमने कोर्स सेलेक्ट करा है नंबर वन पर, वो है दीपक गुप्ता सर का, डीजी सर का सीए फाइनल का कोर्स। तो अब आप जो कोर्स है दीपक गुप्ता सर का, डीजी सर का जो कोर्स है सीए फाइनल का, वो आप केजे क्लासेस के माध्यम से ले सकते हैं। आपको नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे, आप वहां से अपनी बुकिंग स्टार्ट करा सकते हैं। कल 18 तारीख से ये कोर्स लॉन्च हो रहा है, आप इसकी बुकिंग जल्दी से जल्दी करा सकते हैं। इसके अंदर आपको किताबें भी मिलेंगी, ठीक है, और पूरा कोर्स भी मिलेगा। डिटेल में चर्चा के लिए मैं दीपक गुप्ता सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर 2 मिनट लगाकर आप ये बताएं कि इस कोर्स के अंदर क्या है। वैसे तो सीए फाइनल का कोर्स है, जीएसटी भी है, कस्टम भी है, एफटीपी भी है, लेकिन हमने आपको चुना है, हमने तो अपने पैरामीटर्स पे चुना है सारे कोर्सेज को देखते हुए। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके कोर्स को लेकर क्या आपके व्यू पॉइंट है। चलिए जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने इतनी रिसर्च करी और रिसर्च करने के बाद आउटकम में हमें जो है एप्रोप्रिएट पाया। तो ये जो कोर्स है ये टोटली डेडिकेटेड है फॉर सीए फाइनल, और इसमें जैसा आपने बताया जीएसटी, कस्टम्स एंड एफटीपी सब जो होगा वो आपको कवर मिलेगा। मैं आपको इस कोर्स के कुछ बेसिक फीचर्स जो है वो एम्फोसिस के लिए बता देता हूँ, सो दैट यूजर्स वेल इन्फॉर्म्ड हो जाए। नंबर वन तो बेसिकली बात इसमें रहेगी कि ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज का कोर्स है, इसमें टोटल स्टडी मटेरियल जो है वो आपका कवर होता है। और जीएसटी अगर फोकस बात कर लूँ तो जीएसटी एक्ट सिलेबस में पूरा सेक्शन 1-2 लेकर सेक्शन एंड तक वो इसमें पूरा कवर होता है। दूसरी इसमें खास बात यह है कि ये जो कोर्स का पढ़ाने का स्टाइल है ये बहुत यूनिक स्टाइल रहेगा, कि इसमें आपकी इंटरलिंकिंग जो होगी वो पूरी की पूरी जो होगी वो क्रिएट की जाएगी। एक्ट की लिंकिंग रूल्स के प्रोविजन से, नोटिफिकेशन से, जीएसटी आप पढ़ाते हैं तो जीएसटी के बारे में आप जानते हैं कि देयर आर सो मेनी प्रोविजन जो अलग अलग जगह मेंशन है, तो उन सबको इकट्ठा समझना होगा। तो उसके लिए टीचिंग स्टाइल वो मेंटेन किया गया जिसमें इंटरलिंकिंग होगी। जीएसटी में एक तो हम आपको बेयर एक्ट देते हैं जिसमें लॉ की लीगल लैंग्वेज होती है, ठीक है, दैट इज अ बिट डिफिकल्ट, बट लो पढ़ना तो आपको वहीं से ही होता है। तो एक्ट में आपको सेक्शन पढ़ाया जाएगा, एसोसिएटेड रूल्स एंड नोटिफिकेशंस पढ़ाए जाएंगे बेयर एक्ट की लैंग्वेज से, फिर आप उसको याद रख सके आराम से। तो जो आउटकम होगा उसके लिए आपको एक स्टडी मटेरियल अलग से प्रोवाइड किया जाता है जिसमें उस एक्ट और रूल्स के बेसिस पर जो फाइनल आउटकम निकलता है लिंकिंग के साथ वो आपको चार्ट फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म्स में मिलता है। अगर मैं कंक्लूड करूं सर यहां पर एक चीज को, तो कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लॉ को पढ़ना चाहते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि जो एनालिसिस को पढ़ना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से जो मैंने आपका फ्री कोर्स सारा अभी देखा, हाँ, पिछले लोगों से मैंने पूछा, उनका फीडबैक पूछा, तो उन्होंने बताया कि सर का जो कोर्स है, ठीक है, उसमें लॉ भी है और उसका एनालिसिस भी है। तो दोनों ही तरह के स्टूडेंट जो लॉ से पढ़ना चाहे, जो एनालिसिस से पढ़ना चाहे, जो समरी में पढ़ना चाहे, वो सबके लिए परफेक्ट है। और आई थिंक ये कोर्स जो आपने डिजाइन किया है वो मई 2023 अटेम्प्ट के लिए है और नवंबर 2023 अटेम्प्ट दोनों के लिए है, तो दोनों ही स्टूडेंट इस वाले कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। जी सर, इसमें और कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल, इस कोर्स में आपका फाइनेंस 2022 कवर्ड है जो कि दोनों अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल बनता है, तो दोनों ही कोर्स के बच्चे इसे ले सकते हैं। और आईसीआई में अभी ऐसी भी न्यूज है कि नया सिलेबस आने वाला है, बट सो फार एज आवर सब्जेक्ट इज कंसर्न नए सिलेबस का उस पर कोई इंपैक्ट नहीं है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बच्चे अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं।
और इस कोर्स की अगर सबसे इंपॉर्टेंट और इम्फेसिस वाली बात कहूँ तो वो मैं आपको ये बताता हूँ कि इस कोर्स के डिजाइन के पीछे हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इसे पढ़े उसका अपना एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो। वो अगर कल 10 लोगों के बीच में बैठा हुआ और एक प्रोविजन या किसी सिचुएशन प्रॉब्लम का डिस्कशन चल रहा है तो वो ऐसा ना हो कि 9 लोग कुछ कह रहे हैं और वो सिर्फ सुन रहा है, रादर देन उसका अपना एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए। उसने लो इस तरीके से पढ़ा है कि वो उस सिचुएशन पर अपना एक व्यू पॉइंट सामने प्रेजेंट कर पा रहा है। तो यहाँ पर इस कोर्स का बेनिफिट क्या है कि सीए फाइनल का एग्जाम तो आपका क्रैक हो ही जाएगा, उसके बाद जब आप प्रैक्टिस में जाओगे, जब आप किसी ऑफिसर के सामने बैठोगे और वो आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा होगा, या जब आप लॉ को पढ़ रहे होंगे, जब आप बजट को पढ़ रहे होंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि इस लॉ के अंदर है क्या, इस लॉ के अंदर गलती भी क्या है, और इसके अंदर ये अमेंडमेंट आई तो क्यों आई। तो मतलब कि आपको एग्जाम क्लियर करने में तो मदद करेगा ही करेगा, और बाद में ये भी आपको बता देगा कि आप अपनी लाइफ में औसम प्रैक्टिस कैसे करें, एक टॉप लेवल पर कैसे करें। तो ये हमने पूरी स्टडी करके जितने भी मार्केटिंग में कोर्स थे उसके बाद ये निष्कर्ष निकाला है, और हम ये चाहते हैं। देखिए, अगर मैं चाहता तो सीए फाइनल मैं भी दे देता। नहीं भाई, मैं नहीं दे सकता, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मुझे अपनी लिमिटेशंस पता है। मैंने कभी किसी स्टूडेंट को नहीं बोला कि ये सीए फाइनल में, मैंने हमेशा ये चीज बोला कि नहीं भाई मार्केट में जो है, तो काफी लोगों की क्वेरीज आई, नहीं सर आप सजेस्ट कर दो, आप एक बार कोर्स को देख लो। तो सर मैंने पहले तो आपके फुल कोर्स देखे हैं, फिर उसके बाद रिसेंट वाला कोर्स भी देखा कि उसमें भी आप एक ऐसी नॉलेज दे रहे हो जो मार्केट में कोई नहीं दे रहा, इसलिए सर हमने आपको सिलेक्ट करा। और ये हमारा सौभाग्य है कि सर आपने हमें अप्रूव कर दिया कि आप हम आपका कोर्स सेल आउट कर पाए। फॉर्चुनेट कि यूजर्स के पास एक अच्छी चीज पहुंचेगी। तो जो भी हमारे सब्सक्राइबर है, इस वीडियो को ना शेयर करना है आपको। किसे शेयर करना है? जो सीए फाइनल का स्टूडेंट है, जो सीए का स्टूडेंट है, चाहे वो आपके दोस्त का बेटा हो, बेटी हो, आपका बेटा बेटी हो, जिसे भी आप चाहते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, जिससे लोगों का भला हो। इस कोर्स के लिए आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है, आप हमारे जो ये नंबर्स दिए हुए हैं इस पर हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे इस कोर्स को परचेज करने में, इस कोर्स को आपको समझने में, कि जिससे कि आपको कोई भी इशू ना। ठीक है। तो सर ये चीज अब आपको क्लियर हो गई होगी। सर इसमें एक चीज मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूँ कि कोर्स को पढ़ते समय अगर बच्चे को कोई क्वेरी आती है तो आप उसे कैसे टेकअप करते हैं? क्वेरी अगर बच्चे को कोई आती है तो एक तो व्हाट्सएप नंबर रहता है बच्चे के पास, बच्चा व्हाट्सएप कर सकता है स्क्रीनशॉट के साथ। हाँ। नहीं तो हमारे एक मेल प्रोवाइड की जाती है, उस पर कर सकता है। ठीक है, तो आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा और एक मेल मिलेगी, आप वहां पर वो क्वेरी ले सकते हैं। अभी ये मत करना क्वेरी के लिए मुझे करने लग जाओ, क्योंकि सीए फाइनल की क्वेरी कई बार सर ऐसे लेवल की आती है मेरे ऊपर से भी चली जाती है। ठीक है ना, तो आप सर से इसके बारे में आपको नंबर मिलेगा जैसे आप उस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर कीजिए सोशल मीडिया पे। और आपका इस कोर्स के बारे में क्या विचार है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू।